Hello students, today our topic is Python programming language, and in this lecture we are going to discuss some basics of Python programming language. So let's start. Students, जैसा आप जानते हैं कि पिछली बार हमने Python programming language के start किया था और software के बारे में बताया था आपको, ठीक है, और Python 3.3 पर आप Python का कोई version 3.x install कर सकते हैं, 3.3 हो, 3.7 हो, 3.9 हो, ठीक है, या फिर आप एनाकोंडा के थ्रू भी जा सकते हैं पाइथन पर और वहाँ भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये हमने कल बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से आप पाइथन का प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। कल मैंने ये भी बताया था आपको कि आप अगर चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके भी पाइथन के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ बेसिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से समझिए आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो गई। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले देखिए, मैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना होता है, समझना होता है, वो ये है कि आप पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, और अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो क्या यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कौन कौन से सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैरेक्टर सेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, वो है पाइथन कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या हैं और आइडेंटिफायर्स क्या हैं, इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ साथ इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप पाइथन का कोई भी आप वर्ज़न 3.x इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन 3.x इंस्टॉल कर सकते हैं, एनाकोंडा के थ्रू कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। तो पाइथन कीवर्ड्स क्या है और आइडेंटिफायर क्या है, पहले इसको समझते हैं। कीवर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड रिजर्व्ड होते हैं जिनको आप जब भी यूज़ करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा जो पाइथन इंटरप्रेटर समझेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसको मैंने एक ऐसे वेरिएबल लिया है तो आप ये एक वेरिएबल एज ए वेरिएबल कंसिडर होगा, नहीं। पहली बात तो उसे वेरिएबल लिया ही नहीं जा सकता। अब यहाँ पर मैं पहले कांस्टेंट वेरिएबल की बात कर दूँ। मैथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आप पढ़ते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जो वैल्यू फिक्स है उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, और वेरिएबल का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू वेरी करेगी, चेंज करेगी, जो भी आप वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम में कैलकुलेशन निकल के आएगी। जैसे अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपसे कहता है तो आप क्या फॉर्मूला बताएंगे उसका, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो जनरली हम उसको कैसे लिखते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इनटू आर इनटू टी अपॉन 100। तो एस आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल को। प्रिंसिपल किसे, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, पी के थ्रू, ठीक है। रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। टाइम को हम टी से। अब अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आपको सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू देनी पड़ेगी, रेट की वैल्यू देनी पड़ेगी, टाइम की वैल्यू देनी पड़ेगी और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप डिसाइड करोगे, आप दोगे वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा आपका वेरिएबल। रेट क्या हो जाएगा आपका, आर क्या हो जाएगा, वेरिएबल। टी क्या हो जाएगा, टाइम को डिनोट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल। 100 से डिवाइड कर रहे हो, हमेशा 100 से डिवाइड करना होगा आपको, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो 100 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो बात थी राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे एस आई, तो ये भी एक वेरिएबल है क्योंकि फाइनल आंसर जिसमें स्टोर हो रहा है वो भी एक वेरिएबल होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल अमाउंट की, रेट की, टाइम की वैल्यू चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आपका सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो के आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का। तो पहली बात तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स में देखिए, मैं मैथ के टर्म्स में समझा रहा था आपको।
तो अभी अगर हम कीवर्ड्स की बात करें, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू द पाइथन इंटरप्रेटर। पहले से पाइथन इंटरप्रेटर को पता होता है कि ये वर्ड है तो इसका ये मीनिंग है। तो आप कहने की बात यह है कि वेरिएबल जैसे हम मैथ में यूज़ करते हैं तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। तो आप उसको कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। क्लियर? तो अब देखिए की पॉइंट्स देख लीजिए, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। इसलिए इसे की वर्ड्स बोला जाता है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जब भी आपके दिमाग में की वर्ड वर्ड आए तो सेकेंड आपका स्टेटमेंट आना चाहिए की वर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है, पहले से पता है कि ये काम करेंगे आपके। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है, की वर्ड्स होता है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की वर्ड्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं, जिनका मीनिंग पहले से पता होता है। कीवर्ड्स को कभी हम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, लेने की कोशिश भी करेंगे तो एरर दिखाएगा, क्योंकि उसका मीनिंग तो ऑलरेडी डिफाइंड है। और वेरिएबल की तो वैल्यू वेरी चेंज होती रहती है, तो जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है उसको हम वेरिएबल ले ही नहीं सकते। लेने की कोशिश भी करेंगे तो इसमें फिर एरर आएगी। दूसरी बात यह कि देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। और जब हम बात करते हैं केस सेंसिटिव की, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है आपका कि अपर केस और लोअर केस लेटर मैटर करते हैं। फिर आपको एक बार जो आपने अपर केस लेटर में लिखी है वो लोअर केस लेटर में लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया प्रवीण, जिसमें पी कैपिटल है, और एक वेरिएबल प्रवीण फिर से लिया जिसमें पी कैपिटल नहीं है, सब कुछ लोअर केस लेटर में लिखा हुआ। तो बोथ आर कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मोस्टली ज़्यादातर प्रोग्राम हम लोअर केस लेटर में लिखते हैं, पूरा प्रोग्राम लोअर केस लेटर में लिखते हैं। हाँ, कोई स्ट्रिंग है, कोई वेरिएबल नेम है तो उसे अपर केस लोअर केस लेटर में लिख सकते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी मैक्सिमम कीवर्ड्स आपके लोअर केस लेटर में होते हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो पहले कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कीवर्ड्स आपके रिजर्व वर्ड्स में होते हैं, इट मीन्स दैट इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखिए, वी कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, दैट आइडेंटिफाई समथिंग, जो आइडेंटिफाई करे उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। किसको आइडेंटिफाई करे? वेरिएबल, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर हो गया। एक फंक्शन का नेम आइडेंटिफायर हो गया, फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है उसे हम फंक्शन बोलते हैं, उसका भी हमें नेम देना पड़ता है। तो फंक्शन नेम भी आपका एक आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है? इसी तरीके से अलग अलग आइडेंटिफायर हो जाते हैं। तो आइडेंटिफायर में वेरिएबल, फंक्शन नेम, ये सभी आ जाते हैं। और आइडेंटिफायर का हम नेम अपनी तरफ से देते हैं, हमें खुद मेंशन करना होता है, हमें बताना होता है कि ये एक आइडेंटिफायर है। तो वी कैन यूज ए कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। तो जितने भी आइडेंटिफायर होते हैं जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम कीवर्ड को कभी भी आइडेंटिफायर की तरह कंसीडर नहीं करते। या हम ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कीवर्ड कभी भी एक आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। ठीक है? या और शॉर्ट में बोले तो कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम नहीं बना सकते कभी भी। तो आइडेंटिफायर में वेरिएबल नेम आ जाता है, फंक्शन नेम आ जाता है, तो ये सभी क्या आ जाते हैं? आपके आइडेंटिफायर आ जाते हैं। सो वी कैन नॉट यूज़ ए कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। दे आर यूज टू डिफाइन द सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटेक्स कहलाता है आपका। तो ये डिफाइन करने का काम करते हैं सिंटेक्स को और पाइथन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को। ठीक है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स आर द केस सेंसिटिव, कीवर्ड्स से केस सेंसिटिव हैं। तो कीवर्ड्स केस सेंसिटिव हैं, इट मीन्स कि एक कीवर्ड जो लोअर केस लेटर में लिखा है अगर हम उसको अपर केस लेटर में लिखेंगे तो बोथ आर कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग बातें समझी जाएंगी, एक नहीं होगा। तो अगर कीवर्ड्स हैं, पहली बात तो रिजर्व वर्ड्स हैं, उसको हम वेरिएबल नेम की तरह या आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरी बात है केस सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं तो अपर केस और लोअर केस लेटर मैटर करता है। आपने अपर केस में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, एक करेक्टर भी आपने अगर अपर और लोअर में लिख दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, अपर में लिख दिया लोअर से, तो फिर आप समझ जाइएगा कि फिर ये कीवर्ड नहीं रहेगा। ठीक है? तो इन पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव।
सेकंड है, अब सवाल ये है यहाँ पर कि कितने कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। ठीक, तो टोटल 3.7, पाइथन 3.7 की बात करें, कल मैंने पाइथन के डिफरेंट वर्जन बताए थे आपको, 3.x में हमने देखा था 3.3, 3.7, 3.9, 3.7 की अगर हम बात करेंगे तो पाइथन 3.7 में 33 कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी। दिस नंबर कैन वेरी स्लाइटली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और ये टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसलिए बढ़ते रहते हैं क्योंकि अभी इसमें डेवलपमेंट चल ही रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हो सकता है कि कुछ और कीवर्ड्स आपको देखने को मिले आगे। लेकिन फिलहाल पाइथन 3.7 की अगर हम बात करें तो 33 कीवर्ड्स हैं, एंड ऑल द कीवर्ड्स एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन आर इन लोअर केस एंड दे मस्ट बी रिटन एज दे आर। अब ये कीवर्ड कौन कौन से हैं? 33 तो हैं ही, लेकिन इसमें 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसमें कि फर्स्ट केस, जिसमें फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर है। ठीक है, बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी लोअर केस लेटर में डिफाइन किए जाते हैं। और ये कौन से कीवर्ड हैं? ये हैं ट्रू, फॉल्स और नन। ट्रू में टी कैपिटल बनेगा, फॉल्स में एफ कैपिटल बनेगा, नन में एन कैपिटल बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से हो गए? ट्रू, फॉल्स और नन। ठीक है, रेस्ट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किए जाते हैं। तो ट्रू है, एक फॉल्स है और एक नन है जो कैपिटल लेटर्स में, जिसमें कंप्लीट तो नहीं है, हाँ फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है आपका या अपर केस है, तो ट्रू, फॉल्स और नन हो गए। सो यही लिखा है, ऑल द कीवर्ड्स एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन आर इन लोअर केस एंड दे मस्ट बी रिटन एज दे आर। उनको ऐसे एज इट इज़ लिखा जाता है जैसे वो है। ठीक है, आप चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज कर देंगे तो फिर वो रिजर्व नहीं रह जाएंगे, फिर उसको वेरिएबल नेम भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो रिजर्व वर्ड की तरह अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो जैसे वो हैं, जिस फॉर्म में, अपर केस में, लोअर केस में, वैसे तो सब लोअर केस में ही है, सिर्फ 3 ऐसे हैं जो जिसमें से कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आता है, वही है ट्रू, फॉल्स और नन। देखिए, कल हमने जब आपको कंपैरिजन ऑपरेटर बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि आंसर जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो जैसे 2 ग्रेटर दैन 3, तो आपको याद आएगा, याद आ रहा होगा कि फॉल्स आ रहा था लिख के। ठीक है, और इसी तरीके से 3 ग्रेटर दैन ट्रू, तो ट्रू लिखा हुआ आ रहा था। तो वही, ये जो ट्रू और फॉल्स है एक्चुअली ये कीवर्ड्स है। ठीक है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वहाँ पर आउटपुट की फॉर्म में भी आ रहे थे ये। तो ट्रू एंड फॉल्स आर द कीवर्ड्स, और इसी तरीके से एक कीवर्ड है नन, तो ये 3 डिफरेंट कीवर्ड्स हो गए। इसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट लेटर्स का कैपिटल है। अच्छा, और कौन कौन से कीवर्ड हैं? ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा, टेबल को, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, नन हो गया, ठीक है, इम्पोर्ट हो गया। अभी देखिए, याद करने का थोड़ा सा मैं आसान तरीका बता देता हूँ। इसमें से जो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं तो उनको याद कर लीजिए आप, आगे देखेंगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रू, फॉल्स, नन, ये 3 3 तो हो गए आपके। इसके साथ आप देखिए एंड और नॉट, ठीक है, 3 हो गए। इसके बाद ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ओके, फॉर, वाइल, ये हो गए आपके। तो ये हो गए आपके, तो इस तरीके से याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बताए ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, तो ये तो पता ही होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कीवर्ड्स हैं ट्रू, फॉल्स, नन, ठीक, इसके बाद एंड और नॉट, फिर ब्रेक, कंटिन्यू, फिर फॉर, वाइल, उसके बाद देखेंगे तो और भी हैं, इज, इन, फ्रॉम, ठीक है, ये भी हैं आपके। तो ये कीवर्ड्स हो गए आपके, और बाकी टेबल आपके सामने है तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कीवर्ड हैं। इट अ सेकेंड, ओके, तो ये कीवर्ड्स हैं डिफरेंट। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको, कुछ कीवर्ड्स ये रहे, तो ये टेबल, कंप्लीट टेबल बनी हुई है। टेबल याद होनी चाहिए, कीवर्ड्स याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको कीवर्ड्स याद नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको हमें वेरिएबल नेम लेना है, किसको नहीं लेना है।
ठीक, तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, कुछ वर्ड्स होते हैं ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, तो इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो पहले से डिफाइन होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पाइथन इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ट्रू फॉल्स नन, ठीक, इसके बाद एंड और नॉट, क्लियर, इसके बाद वाइल फ्रॉम, सॉरी एक वाइल हो गया, और हाँ एक फॉर, वाइल इज इन, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये सब आपके कंटिन्यू ब्रेक, तो ये सब क्या हो गया आपके, ये कीवर्ड्स हो गए। तो इसको तो याद कर लीजिएगा बहुत आसानी से, बाकी और भी देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे समझेंगे, तो जानेंगे कि ये कीवर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं, इनका क्या पर्पज़ होता है, तो आपको वहाँ याद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एज ए बिगनर आप स्टार्टिंग में इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड्स हैं। आगे चलते हैं, ये कुछ और कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ठीक है, तो कीवर्ड्स हो गया। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। तो जैसे लिखा हुआ है इसमें, एन आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू द एंट्रीज लाइक क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, वेट ए सेकेंड, ओके, एन आइडेंटिफायर इज ए नेम गिवन टू एंट्रीज लाइक क्लास, फंक्शन, वेरिएबल एक्सेट्रा, इट हेल्प्स टू डिफ्रेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। आइडेंटिफायर एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आइडेंटिफायर यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफायर का मतलब है कि जो भी हम नेम देते हैं किसी वेरिएबल को, नेम देते हैं, इसके साथ क्लास होती है, फंक्शंस होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे क्लास क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि नेम हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी को जो हम नेम देते हैं, या हम ये समझ लीजिए कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए अंदर जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम नेम देते हैं अपनी तरफ से, जो आपके हाथ में है कि आप उसको किस नेम से डिफाइन कर रहे हो, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्योंकि आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि दैट आइडेंटिफाई समथिंग, जो आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, तो वो वेरिएबल होता है जनरली, और क्लास नेम और फंक्शंस नेम भी होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम कुछ भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं, कि आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे आपने किसी वेरिएबल का नेम ए बी सी ले लिया, ठीक है, तो क्या हम ए बी सी वन ले सकते हैं, क्या हम वन ए बी सी भी ले सकते हैं, क्या हम कोई स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हैं जैसे ए बी सी एट द रेट वन, या एट द रेट ए बी सी, ठीक है, या अंडर स्कोर ए बी सी, या ए बी सी अंडर स्कोर, तो क्या ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ आपको, तो जब हम कोई वेरिएबल नेम लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है ये कि हम कोई कैरेक्टर ले सकते हैं, अपर केस या लोअर केस लेटर में, नंबर ले सकते हैं, और स्पेशल सिंबल ले सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं, या इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सभी स्पेशल सिंबल ले सकते हैं, सभी नंबर ले सकते हैं, सभी लेटर ले सकते हैं, चाहे वो अपर केस में हो लोअर केस में हो, और हम नेम जब लेंगे भी तो क्या स्टार्ट करने का कुछ रूल है, कोई ऐसी कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा तो ना नहीं है कि वन ए बी सी को हम काउंट नहीं करेंगे, ए बी सी को, ए बी सी वन को हम वेरिएबल नेम समझेंगे। तो इसी को बोला जाता है रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स, ठीक। तो इस बात को ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है या समझना है। सो आइडेंटिफायर्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन द लोअर केस ए टू जेड, और अपर केस ए टू जेड, और डिजिट्स 0 to 9, और एन अंडरस्कोर, नेम्स लाइक माई क्लास कॉमा वेर अंडरस्कोर वन, एंड प्रिंट अंडरस्कोर दिस अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर स्क्रीन, ऑल आर वैलिड एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें कि वेरिएबल नेम हम कैसे लेंगे, आइडेंटिफायर हम कैसे लेंगे, तो आइडेंटिफायर सबसे पहले, तो आइडेंटिफायर में आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, आप स्मॉल केस लेटर अपर केस लेटर दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जहाँ तक स्पेशल सिंबल की बात है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं यूज़ करोगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करोगे, परसेंटेज यूज़ नहीं करोगे, एम परसेंट यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, ये कोई साइन यूज़ नहीं होगा। साइन सिर्फ जो यूज़ होगा, वो जो साइन यूज़ होगा वो अंडर स्कोर का ही होगा, यानी सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है,
और वो है अंडरस्कोर। तो जब कभी भी आप आइडेंटिफायर लें, नेम लें, तो उस नेम में आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए, अपर केस में लोअर केस में डजेंट मैटर, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक नंबर की बात है, तो 0 से 9 कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, तो अंडरस्कोर के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसको यूज़ किया जा सकता है। इज इट क्लियर? चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है माय क्लास, एक एग्जांपल है। देखिए माय क्लास में आपका सी एल सी माई क्लास में सी कैपिटल बनना है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये देखिए, दिखाता हूँ आपको, बताने से अच्छा दिखा दें आपको, ज़्यादा सही है। 8 मिनट, एक सेकेंड। ये देखिए सेकेंड कॉलम में थर्ड वैल्यू देखिए क्या है, क्लास। तो क्लास अपने आप में क्या है, क्लास है अपने आप में एक कीवर्ड, ठीक है। लेकिन इसमें सी एल ए एस एस लोअर केस लेटर में लिखा हुआ है। तो पहली बात तो आप क्लास को क्या नहीं ले सकते, वेरिएबल नेम आइडेंटिफाई नहीं ले सकते, ठीक। अब हमने जो वेरिएबल नेम लिया है, पहली बात तो हमने क्लास को यूज़ किया है, तो उसमें सी कैपिटल है। दूसरी बात ये कि हमने जो नेम लिया माई क्लास लिया है, जिसमें क्लास वर्ड आ रहा है, तो ये एक वेरिएबल नेम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई वेरिएबल नेम लेते हैं, आइडेंटिफायर का नेम लेते हैं, ज़्यादा कहें तो सही कहें तो ये होगा, तो उसमें आपका कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतना हमें ध्यान रखना है, माई क्लास कीवर्ड नहीं है, अलग, ये अलग बात है क्लास एक कीवर्ड है, लेकिन माई क्लास कोई कीवर्ड नहीं है। उसी के साथ वेयर अंडरस्कोर वन, तो जैसे मैंने बताया था कि अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं, तो अंडरस्कोर का साइन यूज़ करके मैंने लिखा वेयर अंडरस्कोर वन, ठीक है। इसी तरीके से एक और वेरिएबल नेम लिया प्रिंट अंडरस्कोर दिस अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर स्क्रीन, तो ये सभी वैलिड एग्जाम्पल हैं आइडेंटिफायर्स के। तो पहली बात तो ये कि हम जब कभी भी आइडेंटिफायर लेंगे, तो आइडेंटिफायर लेटर्स का, लोअर केस लेटर्स का, अपर केस लेटर का, डिजिट्स का, अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन होगा, और अंडरस्कोर के अलावा हम कोई अदर स्पेशल सिंबल नहीं लेंगे। पॉइंट नंबर टू, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, वन वेरिएबल इज इनवैलिड बट वेरिएबल वन इज़ अ वैलिड नेम। आइडेंटिफायर जब आप ले रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में आइडेंटिफायर को ऐसे समझिए वेरिएबल का नेम ले रहे हैं कोई, तो क्योंकि वो तो जरूरत पड़ेगी, मैथ में भी पड़ती है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखते हैं ना। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से डिनोट किया गया है, तो एस आई एक वेरिएबल नेम है, पी है, आर है, टी है, ये भी एक वेरिएबल नेम है, 100 आपका कॉन्स्टेंट है। तो बात चल रही थी आइडेंटिफायर की, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। आइडेंटिफायर जब आप लें, तो आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डिजिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब यह, जैसे आपने वेरिएबल का नेम लिया, आइडेंटिफायर का नेम लिया वेरिएबल वन, तो वेरिएबल वन ले लिया, नंबर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर आ जाए कहीं भी, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, फोर्थ पर, कहीं भी आ जाए, लास्ट में ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूज़ कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, यूज़ करना ही करना है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नंबर से वेरिएबल नेम स्टार्ट, नंबर से वेरिएबल नेम का है या आइडेंटिफायर नेम का है स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल वन तो ठीक है, लेकिन वन वेरिएबल इनवैलिड है आपका, ठीक है। तो वन वेरिएबल इनवैलिड है, वेरिएबल वन इनवैलिड है आपका। थर्ड पॉइंट ये है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये मैं पहले ही बता रहा था आपको, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे ग्लोबल एक कीवर्ड है, तो ग्लोबल एक कीवर्ड है, ठीक। और कीवर्ड जैसे, इसलिए मैं पहले बता रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कीवर्ड है कि नहीं, तो टेबल याद करनी पड़ेगी, मेन में तो याद करनी पड़ेगी, ग्लोबल में से एक है,
तो ग्लोबल एक कीवर्ड है, तो ग्लोबल को आप एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते ग्लोबल इक्वल टू वन, ठीक है। तो वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते किसी भी कीवर्ड को, इसको हमें समझना होगा। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, क्या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और क्या अंडरस्कोर लेना ज़रूरी है? अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर कहीं भी आ सकता है। रूल ये कहता है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल स्मॉल में डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर को और अंडरस्कोर को यूज़ करो मत करो, ये आपके ऊपर है। आप सिंपल नेम ले दो, अपर केस लोअर केस लेटर में, दोनों के कॉम्बिनेशन में, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करेंगे अगर नंबर को, तो वेरिएबल नेम में आइडेंटिफायर में यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आइडेंटिफायर का नेम है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अंडरस्कोर की बात है, तो अंडरस्कोर के अलावा पहली बात तो कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ ही नहीं कर सकते। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा आपका, स्टार्ट हो सकता है आपका अंडरस्कोर कहीं भी आ सकता है, किसी भी पोजीशन पर, स्टार्टिंग में, मिड में, लास्ट में, वेरिएबल नेम में, आइडेंटिफाइड नेम में, तो अंडरस्कोर का कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा अंडरस्कोर के अलावा हम कुछ और यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। तो ये एक पॉइंट हो गया। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दिस मीन्स वेरिएबल एंड वेरिएबल आर नॉट द सेम। इन दोनों वेरिएबल में, पहले वेरिएबल में वी कैपिटल है, सेकंड में वेरिएबल में वी स्मॉल है। पहली बात तो यह समझ लीजिए, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जब हम बात करते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल में वी कैपिटल बनाएं या वी स्मॉल में बनाएं तो फ़र्क पड़ता है, दोनों एक बात नहीं है। आप कहेंगे वेरिएबल ही तो लिखा है तो दोनों सेम है, नहीं ऐसा नहीं है। एक लोअर केस लेटर में, एक भी दूसरा भी लोअर केस लेटर में, लेकिन उसका सिर्फ एक कैरेक्टर अपर केस लेटर में है, तो इससे दोनों बिल्कुल अलग अलग कंसिडर होंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो ऑलवेज गिव द आइडेंटिफायर ए नेम दैट मेक्स सेंस। तो हमेशा आइडेंटिफायर को जब हम नेम देते हैं ना, तो ऐसा देते हैं कि जिसका एक सेंस निकल के आ रहा हो, प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं देंगे कुछ भी दे दिया, देने को कुछ भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करे ऐसा। जैसे अभी आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए ऐसा ही लेते हैं हम, IS भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही का मतलब एस सिंपल को डिनोट कर रहा है, आई इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें नेम लेना होता है ताकि हम उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसा कोई रूल नहीं है, प्ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए, ठीक। तो C10 इज़ ए वैलिड नेम, राइटिंग काउंट 10 वुड मेक्स मोर सेंस। तो अभी आप जैसे C10 लिख दिया, C इक्वल टू 10 लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सिंगल कैरेक्टर को भी बना सकते हैं एक हम वेरिएबल नेम, लेकिन बजाय इस बात के कि हम C10 लिखें, हम काउंट इज इक्वल टू 10 लिखेंगे, तो ये बताएगा कि यहाँ पर हम किसी तरह की काउंटिंग कर रहे हैं। इसके लिए जो वेरिएबल नेम है, आइडेंटिफायर है, वो काउंट है, क्लियर है। तो इसका कोई ज़्यादा अच्छा सेंस निकल के आता है। एंड इट वुड बी ईजियर टू फिगर आउट वाट इज़ रिप्रेजेंट एंड वैन यू लुक एट योर कोड आफ्टर ए लॉन्ग गैप। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब आप अपने प्रोग्राम को देखोगे, तो आइडेंटिफायर के थ्रू आप आसानी से पहचान जाओ कि हाँ, ये वेरिएबल हमने या ये आइडेंटिफायर हमने इस पर्पज़ के लिए लिया था, क्योंकि उसके नेम इस तरीके से होगा कि वो पर्पज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। दूसरी बात यह कि जब हम मल्टीपल वर्ड्स लेते हैं, ठीक, तो स्पेस अलाउड नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रवीण स्पेस कुमार, ये अगर आपने लिखा है, आप ये सोच रहे हैं कि ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, तो गलत है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था ये कि आपको कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग वेरिएबल, अगर कुछ ऐसा है टू वर्ड्स या टू मोर देन टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो फिर हम क्या करें, फिर आप एक काम कीजिए, अंडरस्कोर से सेपरेट कर दीजिए। दिस के बाद अंडरस्कोर लगाया, इसके बाद फिर ए के बाद, फिर लॉन्ग के बाद, तो ये हो गया दिस अंडरस्कोर इज़ अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर लॉन्ग अंडरस्कोर वेरिएबल, ये ठीक है, ये चल जाएगा आपको। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो। आज मुझे आपको बताना था इसके मोबाइल वर्जन के बारे में, पाइथन के सॉफ्टवेयर के बारे में। टाइम नहीं, लेकिन हाँ, कल के वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसको दिखाने का। पहले और ये भी बेसिक चल रहा है, आज मैंने कीवर्ड आइडेंटिफायर को डिटेल में समझाया, आपको बताया,
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, अभी ऑपरेटर्स और बचे हैं आपके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।